Pranam Bihar, ka hal ba? Youngsters of Bihar are full of josh. Be it traditional sports like kabaddi, gilli danda, and various other regional games, to boxing, cricket, hockey, volleyball, and football. This state has always supported sports activities to empower its youth. Bihar is famous for its local level sports activities as much as one can see its contributions in the national games and athletics. Saying so, we welcome you to the Fit India Quiz Bihar edition, presented by Ministry of Youth Affairs and Sports and Ministry of Education with Fit India Mission in celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture and achievements. Fit India Quiz is the biggest Indian quiz on sports and fitness like none other. The Fit India Quiz provides an opportunity to students and schools to win cash prizes of Rs 3.25 crores and be the champion at state and national level. In the preliminary round, 36,299 students from 13,502 schools participated in the mobile-based test conducted by National Testing Agency. Participation was from more than 626 districts across India. After the preliminary rounds, 360 schools will be participating in the state web rounds, where they will be competing with the selected schools from their respective state or union territory to become state or union territory champion and represent their state or union territory in the national finals. Without any more delay, let's go to our virtual auditorium to meet our quiz master for today. Namaskar, swagat hai aapka at the most awaited and anticipated Fit India Quiz Grand Finale Bihar Edition. मैं हूं रणदीप सिंह और आज हमारे साथ है चार ऐसी टीम्स जिन्होंने अपना और अपने स्कूल का परचम लहराया सेमीफाइनल्स में और आज तैयार हैं अपने लिए एक नई जगह बनाने एट द मोस्ट कवेटेड एंड प्रेस्टीजियस फिट इंडिया क्विज के ग्रैंड फिनाले में। ये स्टेट फाइनल है तो जाहिर सी बात है इसकी हर बात ग्रैंड होगी, शानदार होगी, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द प्राइजेस। द सेकेंड रनर अप विल विन अ कैश प्राइज ऑफ 55,000 रुपीज, जबकि पहले रनर अप को मिलेगा 1,10,000 रुपए तक का प्राइस, वो भी धनराशि के रूप में। जबकि आज जो विजेता होंगे, ध्यान से सुनिए और मन को एक जगह रखिए, विचलित मत होने दीजिएगा सुनकर, उनको मिलने वाले हैं 2,75,000 रुपए की धनराशि। क्या बात है बच्चों, इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि अंत नहीं है ये, इसके बाद आज जो जीतेंगे उनको फर्दर मौका मिलेगा और भी शानदार प्राइजेस जीतने का, क्योंकि आज के विनर्स कंपीट करेंगे एट द नेशनल ग्रैंड फिनाले, जहां होंगे शानदार प्राइजेस और बहुत सारी ख्याति। चलिए इसी के साथ अब मिलते हैं आज के हमारे स्टेट ग्रैंड फिनाले से, जो आज के हमारे हीरोज हैं। टीम नंबर 1, 2, 3 और 4 सब ने अपनी कमर कस ली है। सबसे पहले मिलते हैं टीम नंबर 1 के धुरंधरों से और जानते हैं उनके बारे में, उनके स्कूल के बारे में और उस स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में जिनसे ये सबसे ज्यादा प्रेरित होते हैं। टीम नंबर 1। हेलो सर, माय नेम इज आशीष रंजन एंड माय नेम इज मोहित रंजन एंड वी बोथ आर हियर रिप्रेजेंटिंग जय प्रताप सिंह पब्लिक स्कूल सहरसा। आई एम मोस्ट इंस्पायर्ड बाय साइना नेहवाल एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय पीवी सिंधु। क्या बात है, दोनों शटलर से इंस्पिरेशन लेते हुए। सबसे अच्छी बात क्या लगती है पीवी सिंधु की, मुझे बताएं आप। उन्होंने जो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया वो मुझे बहुत अच्छा। बिल्कुल, पीवी सिंधु मेरी भी हीरो हैं और साइना नेहवाल को भी मैं बहुत पसंद करता हूं। साइना नेहवाल के बारे में कुछ बताइए, आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करती है साइना नेहवाल के बारे में। सर, साइना नेहवाल ने 2012 ओलंपिक्स में इंडिया को फर्स्ट बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था, उस समय से मैं उनसे बहुत इंस्पायर था। बिल्कुल, अब तो साइना नेहवाल जी पर फिल्म भी बन चुकी है जिसमें परिणीति चोपड़ा ने उनके किरदार को बहुत बखूबी निभाया था। टीम नंबर 1 ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, चलिए इसी के साथ चलते हैं टीम नंबर 2 की ओर। डीएवी पब्लिक स्कूल समस्तीपुर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, माय नेम इज यशराज, आई एम फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल समस्तीपुर एंड माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज एमएस धोनी, आई लव हिज स्कूल एटीट्यूड एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। सर, माय नेम इज मृणाल राज, आई एम फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल समस्तीपुर, माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। I loved his struggle from his childhood. Now he became the billionaire. क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया। कोई MS धोनी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है
तो कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ये बताएं कि कैसा लग रहा है आज अपने स्कूल को यहां तक आप ले आए और आगे भी ले जा सकते हैं. हाउ डज इट फील बीइंग हियर बॉयज? वी आर फीलिंग गुड. फीलिंग गुड. इफ आई वर एट योर प्लेस आई एम श्योर मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. चलिए इसी के साथ चलते हमारे अगले ऑल बॉयज टीम की ओर. टीम नंबर 3, प्लीज अपने बारे में बताएं, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि कौन से खेल में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं आप लोग. हेलो सर, माय नेम इज कुमार आदित्य. आई एम फ्रॉम क्लास 11 एंड फ्रॉम माउंट एसीसी स्कूल भागलपुर. हेलो सर, आई एम अभिजीत कुमार फ्रॉम 11 एंड आई आल्सो एम रिप्रेजेंटिंग माउंट एसीसी स्कूल भागलपुर एंड आई लव वाचिंग क्रिकेट एंड विराट कोहली इज माय फेवरेट प्लेयर. आई लव हिज aggression and the attitude to win all the matches for his country. Aur Aditya, aap apne bare mein bataye. Sir, my favorite sports person is Mahendra Singh Dhoni. I love his presence of mind and his ability to stay calm in difficult situations. Kya baat hai, koi aggression ke sath ja raha hai to koi calmness ki or ja raha hai, lekin ye baat to zahir hai ki bhai sabne apne apne favorite sports person chun liye hain. Chaliye ab hum badhte hain hamare aakhri team ki or. या विडंबना है या कोइंसिडेंस है पता नहीं, क्योंकि चारों टीम्स जो हैं वो आज ऑल बॉयज टीम्स हैं. चलिए लेट्स गो टू आवर फाइनल टीम राइट नाउ. टीम नंबर 4, प्लीज अपने बारे में बताएं, अपने स्कूल के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि कैसा लग रहा है आज यहाँ पर. सर, माय नेम इज पुष्पक कुमार. आई एम फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड जेएनबी बिरौली समस्तीपुर एंड आई लव प्लेइंग फुटबॉल एंड माय फेवरेट प्लेयर इज सुरेश रैना. Hello sir, my name is Zafi Javed. I am from JNV Samastipur. I am presently studying class 8 and I love to play chess and my best sports person is Lionel Messi. Kya baat hai, chess ka shauk rakhte hain lekin footballer zyada pasand karte hain. Chaliye ye bhi puch lete hain ki kaisa lagta hai bhai aap log dono ko yahan par aake aaj. Bahut acha lag raha hai. Yes sir, we are feeling so well sir. Dekhiye aaj kam se kam 55,000 ki dhanrashi aap log jeet ke le jayenge. लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप कम से कम 2,75,000 रुपए जीत के ले जाएं अपने स्कूल के लिए. चलिए इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पहला राउंड जो हमारा होने वाला है वो है फिटनेस की डोज. लेकिन उससे पूर्व जो सबसे जरूरी बात है बच्चों वो ये है कि आज आपके पास 3 हेल्पलाइंस हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं. सबसे पहले है कैप्टन फिट, जिसमें आज हमारे कैप्टन फिट से आप उनकी सलाह ले सकते हैं, उनके जवाब ले सकते हैं और अगर आपको लगे कि उनका सलाह और उनका जवाब दोनों ही सही है तो आप उनका दिया हुआ उत्तर दे सकते हैं. दूसरा है टॉस द क्वेश्चन, जिसमें आप पूरे सवाल को बदल सकते हैं. और तीसरा है हेड और टेल, जहां पे 2 गलत ऑप्शंस हटा दिए जाएंगे. चलिए इसी के साथ आज हम आपको मुखातिब करवाते हैं, मिलवाते हैं हमारे कैप्टन फिट से, जो खुद एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश नाम है इन द वर्ल्ड ऑफ क्विजिंग और साथ ही ये बहुत रुचि रखते हैं योगा करने में. हमारे साथ हैं अमिताभ दत्ता जी. अमिताभ जी, बहुत स्वागत आपका, कृपया प्रकट होइए स्क्रीन पे. थैंक यू सर. सो हेलो एवरीवन, सो आई एम कैप्टन फिट. इन केस ऑफ एनी हेल्प डोंट हेजिटेट टू आस्क माय करेक्ट आंसर. आई विल ट्राई टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच अमिताभ जी. डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक ऐसे बहुत खास मेहमान हैं जो आपको अपना संदेश देना चाहते हैं और आपसे अपनी बात साझा करना चाहते हैं. कौन है ये, चलिए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर. हाय फ्रेंड्स, आई कांग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट ऑफ द फिट इंडिया क्विज कॉन्टेस्ट एंड आई विश द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्कूल्स दैट हैव मेड इट टू द फाइनल्स. थैंक यू. बहुत धन्यवाद सर आपका हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और हम सब बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए. चलिए शुरू करते हैं द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिट इंडिया क्विज का पहला राउंड, जिसका नाम है फिटनेस की डोज. और क्या इसके रूल्स और रेगुलेशंस जान लेते हैं अभी तुरंत. क्लॉकवाइज राउंड, ईच टीम विल गेट 15 सेकंड्स टू आंसर अ क्वेश्चन आफ्टर द क्विज मास्टर हैज रेड इट आउट. डायरेक्ट क्वेश्चंस टू ईच टीम, नो पासिंग. करेक्ट आंसर विल फेच 10 पॉइंट्स. नो नेगेटिव मार्किंग. Lifelines are available. If lifeline is used, correct answer will fetch 5 points. The quiz master's decision is final. चारों टीम्स को एक बार और मैं बता दूं कि 15 सेकंड्स मिलेंगे सही जवाब देने पर आपको 10 अंक मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपने लाइफलाइन का प्रयोग किया तो 5 अंक मिलेंगे. इसी के साथ चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं. टीम नंबर 1, आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये
During flexibility training, when the movement around the joint is done with external help, then this type of flexibility is termed as dash flexibility. Your options are A, passive, B, active, C, assisted, or D, resistant. Team 1, आपका समय शुरू होता है अब. सर ऑप्शन सी असिस्टेड. इन्होंने जवाब दिया सी असिस्टेड. देख लेते हैं ये फिट जवाब है या नहीं. टीम 1, द राइट आंसर, द फिट आंसर इज ए पैसिव. कोई अंक नहीं मिलेंगे लेकिन एकदम डिसअपॉइंटेड मत होइए क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अभी आने बाकी हैं. चलिए इसी के साथ तुरंत बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर. टीम 2, आपके लिए है अगला प्रश्न ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. डेयरी फूड्स गिव मैक्सिमम डैश लेवल्स फॉर बोन स्ट्रेंथ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. फिल इन द ब्लैंक. आपके ऑप्शंस हैं ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम और डी कैल्शियम. टीम 2, आपका समय शुरू होता है अब. सर इट्स ऑप्शन डी कैल्शियम. ऑप्शन डी कैल्शियम. देरी से कैल्शियम मिलता है. जान लेते हैं ये फिर जवाब है या नहीं. इसी के साथ खुल चुका है खाता टीम 2 का और ग्रैंड फिनाले बिहार में सबसे पहले अंक अर्जित करने वाली टीम हो गई है टीम 2 डीएवी पब्लिक स्कूल समस्तीपुर. टीम 3, आपका प्रश्न है फिटनेस की डोज पर 10 अंकों के लिए. ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. मकर आसना इज अ रिक्लाइनिंग आसना इन हठा योगा एंड मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइज विच इज ऑल्सो नोन एज. आपके ऑप्शन हैं ए क्रोकोडाइल पोज, बी फ्रॉग पोज, सी स्कॉर्पियन पोज या फिर डी क्रेन पोज. टीम 3, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Sir, we would like to take the lifeline of Captain Quick. Stop the timer there itself. बहुत सही चुनाव किए इन्होंने. लाइफलाइन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. कौन से लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहेंगे आप? Sir, we would like to use Captain Quick. Captain Quick, the first choice for all the lifelines. Let's have Amitabh Dutta on the screen, please. Thank you, children, for giving me the opportunity. So, your option may be A, crocodile pose. In my opinion, that will be the correct answer. थैंक यू सो मच अमिताभ दा. टीम 3, आपका समय शुरू होता है अब अपना जवाब दीजिए आप. We would like to go with Captain Fit, option A, crocodile pose. Option A के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं. देख लेते हैं कि 5 अंक मिलते हैं या नहीं. फिट जवाब crocodile pose is indeed the fittest answer. क्या बात है, हमारे कैप्टन फिट के कोई तो जादू है. जल्दी आते हैं, सही मार्गदर्शन देके जाते हैं बच्चों को. इसी के साथ चलिए चलते हमारे अगले टीम की ओर. देखते हैं ये फिटनेस की डोज में अपना खाता खोल पाते हैं या नहीं. Team 4, for 10 points, your question is this on your screen. Weightlifting tape, also called dash tape, is used by powerlifters, weightlifters, and crossfitters to improve their grip and protect their thumbs when lifting heavy weights. Fill up with 2 words. Aapke options hain A, punch grip, B, hook grip, C, rope grip या फिर डी none of the above. आपका समय टीम 4 शुरू होता है अब. So we will go with Captain Fit. All right, let's stop the timer there itself. They want to use their lifeline Captain Fit. चलिए चलते हैं हमारे Captain Fit की ओर. अमिताभ दत्ता जी, please screen पर आइए. Thank you sir, calling me again and again. So team 4, you can opt for B, hook grip. That will be the correct answer as per my opinion. अपने हिसाब से इन्होंने फिट जवाब दे दिया. बहुत धन्यवाद आपका कैप्टन फिट. अब टीम 4, आपका समय शुरू होता है अब. अपना जवाब दीजिए. सर, we will go with option B, hook grip. ऑप्शन बी hook grip को लॉक कर देते हैं. देखते हैं ये फिट जवाब है या नहीं. पूरे 5 अंक मिलेंगे टीम 4 आपको. क्या बात है, सबने अपना खाता खोल लिया. टीम 1, I'm sure अगले राउंड में अपना खाता जरूर खोलेगी. इसी के साथ टीम 4 ने भी अपना खाता खोल लिया है. सभी टीमों ने अपना खाता खोला बजाय टीम 1 के. लेकिन आई एम श्योर टीम 1 भी एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक करने वाली है हमारे अगले राउंड में. कौन सा है वो अगला राउंड हम बताएंगे आपको और साथ ही बताएंगे कि कौन सी टीम है कितने स्कोर पर. लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. एट द वेरी कमिटेड एंड प्रेस्टीजियस फिट इंडिया क्विजेस बिहार एडिशन स्टेट ग्रैंड फिनाले. बने रहिए हमारे साथ.
फिटनेस एंड स्पोर्ट्स क्विज फिट इंडिया क्विज में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन फिट इंडिया मूवमेंट के द्वारा की गई इस पहल से जुड़ने का सभी देशवासियों से आह्वान करता हूँ। फिट इंडिया क्विज में देश के कोने कोने से भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी जी जान लगाकर एवं दिमाग से फिट इंडिया क्विज में भाग लेंगे और अपने विद्यालय परिजनों एवं राज्य का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Hello and welcome after the break to the grand finale of Fit India Quiz Bihar Edition presented by Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Education with Fit India Mission in celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Fit India Quiz is the biggest Indian quiz on sports and fitness. Now, on this note, let's see the scores after the completion of round 1. Team 1, apna khata ab tak nahi khol payi hai. टीम थ्री और टीम फोर है पांच पांच अंकों पर और पांच अंकों की बढ़त के साथ टीम टू है दस अंकों पर। क्या बात है, सही शुरुआत सभी टीम्स के लिए। इसी के साथ चलिए बढ़ते हमारे अगले राउंड की ओर। टीम्स ध्यान से सुने कि क्या है परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे अगले राउंड के, जिसका नाम है चैंपियन ऑफ चैंपियंस। ये है आपके रूल्स और रेगुलेशंस आपके स्क्रीन पर। Questions on sports and sports personalities. Buzz around. Correct answer will fetch 10 points. The question will not pass. Wrong answer will fetch minus 5 points. No additional lifelines for this round. The quiz master's decision is final. Rules and regulations aap jaan chuke hain. Chaliye shuru karte hain hamara dusra round. Champion of champions. Aur aapka prashn hai. Lekin usse pehle आपकी उंगली आपके बजर पर होनी चाहिए, आपकी आंखें प्रश्न पर होनी चाहिए और आपकी दिमाग पैनी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें माइनस फाइव भी आप पा सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं चैंपियन ऑफ चैंपियंस और जान लेते हैं कि कौन है ये पहला चैंपियन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। आइडेंटिफाई दिस इंडियन स्पोर्ट्स स्टार, आपके सामने जिसकी तस्वीर है वो कौन है? टीम नंबर थ्री ने सबसे पहले दबाया अपना बजर। टीम नंबर थ्री, गिव योर आंसर। मिताली राज। मिताली राज, द करंट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, वुमेन्स टीम। जान लेते हैं ये फिर जवाब है या नहीं। मिताली राज, क्या बात है, प्लस टेन मिलेंगे आपको। खुशी मना रहे हैं तो सबके साथ मनाइए, सबके सामने मनाइए, एक दूसरे को हाईफाई दीजिए भाई। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हैं टीम नंबर थ्री। चलिए इसी के साथ लेते हमारा अगला हिंट दस अंकों के लिए। गजल जबानों पर भूलिएगा जवाब देने से पहले। चैंपियन ऑफ चैंपियन कौन है ये? आइडेंटिफाई दिस पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम टोक्यो 2020, कौन है ये? टीम नंबर फोर सबसे पहले जवाब देगी, क्योंकि उन्होंने दबाया अपना बाजार। सर प्रमोद भगत। प्रमोद भगत, बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंडिंग जवाब, देख लेते हैं फिट है या नहीं। शानदार जवाब हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि फिट उत्तर है कृष्णा नागर। प्रमोद भगत साहब भी बड़े अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे एथलीट। हाउएवर कृष्णा नागर इज द फिट आंसर, माइनस फाइव आपको मिलेगा। लेकिन एकदम भी डिसअपॉइंटेड मत होइएगा, बहुत सारे प्रश्न आने बाकी हैं। अगला प्रश्न दस अंकों के लिए, यह आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अ हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियन स्पोर्ट, हु इज सीन हियर विनिंग अ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ बिलियर्ड्स, कौन है ये? बहुत ही नामचीन बिलियर्ड खिलाड़ी हैं ये, स्वतंत्र भारत में इन्होंने खेला था, किसी ने अपना बजर नहीं दबाया। फाइनली टीम नंबर फोर उत्तर देना चाहती है। टीम नंबर फोर, गिव योर आंसर। सर गीत सेठी। गीत सेठी, चलिए देख लेते हैं फिट है या नहीं। ये फिट जवाब है, क्या बात है, गीत सेठी बिल्कुल सही जवाब, प्लस टेन। चलिए इसी के साथ ले लेते हमारा अगला प्रश्न दस अंकों के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये, एट विच आइकॉनिक वेन्यू डिड दिस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच बिटवीन विश्वनाथन आनंद एंड गैरी कास्परोव टुक प्लेस इन 1995, कौन सा हिस्टोरिकल ऐतिहासिक वेन्यू था?
कोई माइनस फाइव नहीं अर्जित करना चाहते, लेकिन जवाब देना चाहते हैं टीम्स। आपके पास केवल 5 सेकंड है। चलिए मैं आपको दे देता हूं फिट जवाब। फिट जवाब है ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क। चलिए इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हम खेलेंगे हमारा तीसरा राउंड और बताएंगे कि कौन सी टीम्स है कौन सा पोजिशन पर। टेक अ स्मॉल ब्रेक एट द फिट इंडिया क्विज ग्रैंड फिनाले बिहार एडिशन। फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य सभी का सुख छिपा हुआ है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ द फिट इंडिया क्विज बिहार एडिशन, प्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विद फिट इंडिया मिशन इन सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। एंड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट हैव सेड इन अ बेटर वे हाउ इंपॉर्टेंट फिटनेस इज इन आवर लाइव्स। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इसी के साथ चलिए जान लेते हैं कि कौन सी टीम है अव्वल दर्जे पर और कौन सी टीम ट्रेल कर रही है। लेट्स सी द स्कोर्स। टीम नंबर 1 अब तक अपना खाता नहीं खोल पाई, टीम नंबर 2 है 10 अंकों पर, टीम नंबर 4 है 10 अंकों पर, और टीम नंबर 3 5 अंकों की लीड के साथ है 15 अंकों पर। क्या बात है टीम नंबर 3, शानदार, अच्छे खेल की तरह यहां पर भी हर बार कुछ नया कुछ अनोखा होता जा रहा है। कोई ट्रेल कर रहा है, कोई विन कर रहा है, लेकिन अंततः विनर कौन बनेगा यह अंत में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम हमारे अगले राउंड में, तीसरा राउंड हमारा जिसका नाम है मैजिक ऑफ स्पोर्ट्स, तुरंत जान लेते हैं इसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। मैजिक ऑफ स्पोर्ट्स, मिक्स्ड बैग ऑडियो विजुअल क्वेश्चंस, एंटी क्लॉकवाइज राउंड। Each team will get 15 seconds to answer a question after the video is shown and the quiz master has read it out. Direct questions to each team. No passing. Correct answer will fetch 10 points. No negative marking. No additional lifelines for this round. The quiz master's decision is final. Magic of sports khele, usse pehle main aapko bata de ki ye jo game hai, ye jo round hai, ये हम एंटी क्लॉकवाइज खेलेंगे। इसीलिए सबसे पहला प्रश्न मैं पूछूंगा टीम नंबर 4 आपसे, एकदम मत हड़बड़ाइएगा। आपको वीडियो दिखाएंगे और उस वीडियो को एकदम बारीकी से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसी पर बेस होगा मेरा अगला प्रश्न। टीम नंबर 4, आपका वीडियो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। ये टीम 4, आपका प्रश्न है 10 अंकों के लिए। What happened for the first time in Indian women's badminton history consequent upon this win? आपका समय शुरू होता है अब टीम 4। ये पहली बार था जब किसी वुमेन ने इंडियन वुमेन बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में इंडिया के लिए। चलिए जान लेते हैं ये फिट जवाब है या नहीं। बहुत ही इलैबोरेट आंसर दिया इन्होंने। This win assured Saina Nehwal of becoming world number 1 on 2nd April 2015. With this, she became the first Indian player to achieve this feat in women's category. Koi negative marking nahi hai. Ekdam bhi dukhi mat hoiyega. Abhi bahut sare prashn aane baki hai team 4. Chaliye iske sath chalte hain hamare agle team ki or. Team number 3. Aapka prashn le. Usse pehle aapka video dekhenge. Ye aapke computer screen par. आपका प्रश्न
टीम थ्री ये है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. एवरीवन हैज सीन दिस गोल्ड विनिंग थ्रो बाय नीरज चोपड़ा. परहैप्स द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द इंडियन स्पोर्टिंग हिस्ट्री. व्हाट वाज द डिस्टेंस थ्रोन बाय हिम फॉर हिज गोल्ड विनिंग एफर्ट. आपका समय शुरू होता है अब टीम थ्री. 87.58 meters. जवाब जब आप लोग दे रहे थे उसके पहले मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे. चलिए जान लेते हैं फिट जवाब है या नहीं. फिट जवाब, क्या बात है, प्लस 10 मिलेंगे आपको. एकदम प्रिसाइज जवाब, बेहतरीन जवाब, फिट जवाब. पोजीशन इज द राइट वे ऑफ पुटिंग इट, क्योंकि इतना प्रिसाइज जवाब देना था. अगर पॉइंट वन या पॉइंट टू इधर उधर हो जाता तो गलत उत्तर होता, अनफिट जवाब होता. चलिए लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, लेकिन उससे पहले देखेंगे वीडियो टीम टू के लिए. टीम टू, आपने अपना वीडियो देख लिया, टग ऑफ वॉर, रस्ता कशी जिसे कहते हैं हम लोग. ये प्रश्न है आपके लिए कि द लास्ट पर्सन इन टग ऑफ वॉर इज नोन बाय व्हाट टर्म. आपका समय शुरू होता है अब टीम टू. सर एंकर मैन. एंकर मैन, तड़ाक से जवाब दिया टीम टू ने, बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंडिंग जवाब. देख लेते हैं फिट है या नहीं. फिट जवाब, क्या बात है, बेहतरीन जवाब, लक्ष्य मिलेंगे आपको. रेजिमेंटल बच्चे हैं ये, खुश भी होते हैं एकदम कैप्टन कूल की तरह. टीम वन, बारी आपकी, मौका आपका कि अब आप शून्य से 10 की ओर प्रगति करें. चलिए देखते हैं आपका वीडियो अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. टीम वन, वीडियो आपने देख लिया, प्रश्न है आपके लिए ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. द मार्की पार्टनरशिप विल कंटिन्यू टू रिमेन द ग्रेटेस्ट वॉइस ऑफ रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट ड्यू टू द शियर सर्कमस्टांसेस इन विच इट वॉज प्रोड्यूस्ड एंड दैट टू बाय टू प्लेयर्स हैविंग सिग्निफिकेंट फिजिकल प्रॉब्लम्स. हाउ मेनी रन्स डिड वीवीएस लक्ष्मण स्कोर इन दिस हिस्टोरिक इनिंग्स. टीम वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टीम वन, समय बीतता जा रहा, अपना जवाब दें. 200. चलिए देख लेते हैं ये फिट जवाब है या नहीं. 281 इज द फिट आंसर, 200 इज नॉट द फिट आंसर. चलिए कोई बात नहीं, आपको भले अंक नहीं मिले लेकिन आपको एक्सपीरियंस जरूर मिल रहा है. इसी के साथ हमारा ये राउंड यही समाप्त होता है जिसका नाम है मैजिक ऑफ स्पोर्ट्स. हम लोग अगले राउंड की ओर बढ़े, उसके पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार खेलेंगे हमारा चौथा राउंड और साथ ही बताएंगे स्कोर्स क्या हुए. बने रहिए हमारे साथ. At the grand finale of Bihar edition of the most awaited and anticipated quiz contest, jiska naam hai the Fit India Quiz. Hum hai Randeep, and this is being presented by Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Education, with Fit India Mission in celebration of Azadi ka Amrit Mahotsav. Fit India Quiz is the biggest Indian quiz on sports and fitness. Isi ke saath
चलिए जान लेते हैं स्कोर्स क्या हुए हैं। टीम नंबर वन आई एम श्योर इस राउंड में अपना खाता जरूर खोलेगी। टीम नंबर फोर है 10 अंकों पर, टीम नंबर टू है 20 अंकों पर और टीम नंबर थ्री है 25 अंकों पर। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा अगला राउंड, हमारा चौथा राउंड जिसका नाम है खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। क्या है इसके रूल्स और रेगुलेशंस जान लेते हैं अभी। द क्वेश्चन विल नॉट पास, करेक्ट आंसर विल फेच ईच टीम 10 पॉइंट्स, नो नेगेटिव मार्किंग, लाइफलाइंस आर अवेलेबल, इफ लाइफलाइन इज यूज्ड करेक्ट आंसर विल फेच 5 पॉइंट्स, द क्विज मास्टर्स डिसीजन इज फाइनल। खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। चलिए ले लेते हमारा पहला प्रश्न चौथे राउंड का हमारे टीम नंबर वन से। ये आपका है प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इन असोल ताले आप कैनो रेस द क्राफ्ट इज बिल्ड फ्रॉम व्हाट आइटम एंड कैन बी ऑफ एनी साइज फॉर इट्स वन और टू पार्टिसिपेंट। आपके ऑप्शंस है ए स्टेम ऑफ द कोकोनट ट्री, बी स्टेम ऑफ अ पाम ट्री, सी स्टेम ऑफ एन एप्पल ट्री या फिर डी स्टेम ऑफ अ नीम ट्री। टीम वन आपका समय शुरू होता है अब। वी विल टेक लाइफलाइन। ऑलराइट लेट्स फ्रीज द टाइमर देयर। अपने लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहती है टीम वन, कौन सा लाइफलाइन यूज करना चाहते हैं आप? कैप्टन फिट। कैप्टन फिट का चुनाव किया हुआ है टीम वन ने। चलिए ले लेते हमारे कैप्टन फिट को हमारे स्क्रीन पर। सर बहुत स्वागत है आपका, कृपया अपना उत्तर दे। So my option will be they are in the stem of the coconut tree. You can give go through my option. That will be the correct answer, I think. चलिए इसी के साथ हम आपका समय शुरू करेंगे टीम वन अब। सर ऑप्शन ए स्टेम ऑफ कोकोनट ट्री। ऑप्शन ए के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, देख लेते कि 5 अंक मिलते हैं या नहीं, फिट जवाब है या नहीं। फिट जवाब, स्टेम ऑफ द कोकोनट ट्री इज एब्सोल्यूट द फिट आंसर। क्या बात है। इसी के साथ चलिए 5 अंकों के साथ इन्होंने अपना खाता खोल लिया। इसी के साथ चले चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। टीम नंबर टू, ऑन योर स्क्रीन इज दिस द मणिपुरी स्पोर्ट ऑफ खोंग कांगजेई इज ऑल्सो नोन एज डैश ऑन फुट। योर ऑप्शंस आर ए क्रिकेट, बी पोलो, सी हॉकी और डी रग्बी। टीम टू आपका समय शुरू होता है अब। Sir, we would like to take Captain Fit. All right, let's stop the timer there itself. पहले 5 सेकंड में इन्होंने चुनाव कर लिया। भाई दुविधा है तो सुविधा जरूर लेंगे। Captain Fit को बुलाते हैं एक बार और कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे। सर अपना जवाब दे। Thank you, sir. My option will be C hockey. C hockey. Yes, sir. Captain Fit, अमिताभ दत्ता ने तो अपना जवाब दे दिया। अब बारी आपकी, अपना जवाब दीजिए टीम टू। सर ऑप्शन सी हॉकी। ऑप्शन सी हॉकी, चलिए देख लेते हैं ये फिट जवाब है या नहीं। फिट जवाब, हॉकी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, द फिट आंसर। 5 अंक आपको मिलेंगे। क्या बात है, अब तक एक भी गलत जवाब या अनफिट जवाब नहीं दिया हमारे कैप्टन फिट ने, मानना पड़ेगा उनको। इसी के साथ चले चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। टीम नंबर थ्री जो अभी पायदान में सबसे ऊंचे खड़े हैं, टीम नंबर थ्री का क्वेश्चन इज A traditional part of Pongal celebrations in South India, which indigenous sport pits crowds of brave young men against angry bulls? आपके options हैं A. Vallamkali, B. Jallikattu, C. Kalaripayattu या फिर D. Gatka। Team 3 आपका समय शुरू होता है अब। फिर option B Jallikattu। ऑप्शन बी जलीकट्टू, देख लेते हैं ये फिट जवाब है या नहीं। क्या बात है, टीम थ्री खुश होते हुए एक दूसरे को फिस्ट बम्प देते हुए पूरे 10 अंक मिलेंगे आप लोगों को। क्या बात है। इसके साथ बढ़त बनाते हुए टीम थ्री, टीम नंबर फोर 10 महत्वपूर्ण अंकों के लिए आपका प्रश्न है ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। उपासा तालुकदार करेंटली विनिंग द हार्ट्स ऑफ द नेशन वॉन असम्स फर्स्ट मेडल ड्यूरिंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 इन विच इवेंट। आपके ऑप्शंस हैं ए स्विमिंग, बी जिम्नास्टिक्स, सी फेंसिंग
या फिर डी साइकिलिंग। टीम फोर आपका समय शुरू होता है अब। सर जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंडिंग जवाब है ये। चलिए हैं फिर जवाब है या नहीं। जिम्नास्टिक्स एकदम सही उत्तर है। सिर्फ फिट ही नहीं बल्कि फिटनेस जवाब है क्योंकि आपको यह दिलाएगा पूरे 10 महत्वपूर्ण अंक। क्या बात है टीम फोर। इसी के साथ खेलेगा भारत तो खेलेगा भारत का राउंड यही खत्म होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग फिट इंडिया क्विज में और ब्रेक के उस पार हम आएंगे फ्री स्टाइल के साथ और साथ ही बताएंगे आपको स्कोर क्या हुए। कहीं मत जाइए बने रहिए हमारे साथ। हेल्दी खाना तीन टाइप्स का होता है गो ग्रो एंड ग्लो। गो फूड्स हमें ताकत या स्ट्रेंथ देते हैं, ग्रो हमें बढ़ने या टॉल होने में मदद करते हैं और ग्लो फूड्स हमें बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं। गो ग्रो एंड ग्लो फूड। बहुत अच्छे। तो स्वस्थ रहने के लिए दिन में हमें अपनी थाली में गो ग्रो एंड ग्लो फूड्स चेक करने चाहिए। तो कौन से फूड्स गो कौन से ग्लो और कौन से ग्रो होते हैं? गो फूड्स जैसे रोटी चावल ब्रेड और फैट्स हमें ताकत देते हैं। दाल दूध अंडे मीट और मछली इन्हें हम ग्रो फूड्स कहते हैं। फल और सब्जियां जिन्हें हम ग्लो फूड्स कहते हैं इनसे हमारे शरीर को आवश्यक विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। मुझे विश्वास है अब तुम सबको पौष्टिक खाने के बारे में जानकारी हो गई है। एक और बात का ध्यान रखो, हम जब खाना खाएं तो उसका आधा हिस्सा फल और सब्जियां होनी चाहिए। याद रखना अगर हम सही और पौष्टिक खाएंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हम गो ग्लो एंड ग्लो करेंगे। फिट इंडिया क्विज बिहार एडिशन presented by Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Education with Fit India Mission in celebration of Azadi ka Amrit Mahotsav. Fit India Quiz is the biggest Indian quiz on sports and fitness. Isi ke saath, kaun si team ab tak sabse zyada fit jawab dekar, sabse zyada marks arjit kar paayi, sabse zyada points arjit kar paayi, dekhenge on the points table. Team 1 ne apna khata khol liya, 5 ankon par hai ye. Team 4 hai 20 ankon par, 5 अंकों की बढ़त के साथ। टीम 2 है 25 अंकों पर जबकि 35 अंकों के साथ। टीम 3 लीड कर रही है इस श्रृंखला को इस गेम को 35 पॉइंट्स। शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड फ्री स्टाइल। कमर कस लीजिए, दिमाग पैनी, आपकी आंखें प्रश्न पर होनी चाहिए और आपकी उंगलियां बजर्स पर। फ्री स्टाइल Sports mixed bag questions. 12 questions on the buzzer. Correct answer will fetch each team 10 points. Minus 5 for wrong answer after buzzer. No additional lifeline for this round. Quiz master's decision is final. The first question on freestyle is this on your screen. Mainly done on either salt water or fresh water. This sport uses implements like hook, line, bait and tackle. Name the sport. Sabse pehle buzzer dubaye team number 1 ne. We'll have your answer team number 1. Sir, fishing. Rope fishing. Fishing. Dekh lete hain fit jawab hai ya nahi. Angling, sport, fishing. Hum aapko denge 10 ank. Kya baat hai? Brilliant answer. Come back karte hain team number 1. Taking a sigh of relief right now. मैंने कहा था जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता तब तक हार मत मानिए, कमर कस लीजिए, डोंट बी डिसाइड। इसी के साथ लेते हमारा अगला प्रश्न। द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप इज अ कंपनी दैट होल्ड्स बाउट्स इन्वॉल्विंग वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ कॉम्बैट कलेक्टिवली बाय व्हाट थ्री वर्ड टर्म इज दिस फाइटिंग स्टाइल कॉल्ड एज इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड टेक्निक्स। सिर्फ एक ही टीम ने बजर दबाया। टीम नंबर 1 दीजिए अपना जवाब। सर MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। देख लेते हैं फिट है या नहीं है जवाब। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA। क्या बात है, शानदार जवाब, कमबैक कर दी हुई। कोई कह सकता है क्या कि तीन राउंड तक इस टीम ने अपना खाता भी बामुश्किल खोला था, चौथे राउंड में आके 5 अंक अर्जित किए और अब अचानक से ऐसा लग रहा है कि पांव से नहीं
बल्कि परों से उड़ रहे हैं। शानदार, पूरे दशक मिलेंगे आपको। चलिए ले लेते हमारा अगला प्रश्न फ्री स्टाइल पर। नाउ ऑन द स्क्रीन, स्ट्रेट, डक, पाइक एंड फ्री आर द पोजिशन अडॉप्टेड बाई एथलीट इन विच एक्वाटिक स्पोर्ट। टीम नंबर वन फास्टेस्ट ऑन द स्क्रीन ऑन द बजर, गिव मी योर आंसर। टीम नंबर वन सर आर्टिस्टिक डाइविंग। आर्टिस्टिक डाइविंग, बहुत ही आर्टिस्टिक जवाब दिया है, देख लेते हैं फिर जवाब है या नहीं। हम आपको देते हैं 10 अंक क्योंकि ये है सही जवाब। फिर जवाब डाइविंग, आर्टिस्टिक डाइविंग, एब्सोल्युटली ब्राउनी कॉन्टेस्ट का देना ही होगा। सही बात, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अपने पोजीशन को आप कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। इसी के साथ चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में कौन बाजी मारेगा। ये आपकी स्क्रीन पर। स्टार्टेड इन 1996, सूर्य किरण इज अ पार्ट ऑफ द 52nd स्क्वाड्रन बेस्ड आउट ऑफ बीदर इन कर्नाटका। व्हाट फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट आर दे फेमस फॉर। कौन देने वाला अपना जवाब, कौन अर्जित करेगा 10 अंक या फिर जवाब देकर -5 कोई लेकर जाएगा। कोई चांस नहीं ले रहा है, मैं आपको देता हूं फिर जवाब। फिर जवाब है एरोबेटिक्स। चलिए इसी के साथ ले लेते हमारा अगला प्रश्न फ्री स्टाइल पर। यह आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। द इक्वल ह्यू रिपोर्ट ऑथर्ड बाय जर्नलिस्ट करुण्य केशव एंड फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर स्नेहल प्रधान इज एम्ड एट इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप एंड सेफ्टी फॉर विच ग्रुप ऑफ एथलीट्स। कौन देने वाला है मुझे जवाब, कौन ले जाएगा 10 महत्वपूर्ण अंक, कौन बनेगा विजेता। कोई नहीं दे रहा अपना जवाब, मैं देता हूं आपको इसका फिट जवाब। द फिट आंसर इज इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स। चलिए कोई बात नहीं, अभी काफी सारे प्रश्न आने बाकी हैं। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच करंट इंडियन क्विक बॉलर इज निकनेम्ड द पालघर एक्सप्रेस। टीम नंबर वन, देखते हैं 10 अंकों के साथ बढ़त बनाती है या 5 अंकों के साथ पीछे जाती है। टीम नंबर वन दीजिए अपना जवाब। शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर, जिन्हें हम लॉर्ड शार्दुल के नाम से भी जानते हैं, उनके साथी क्रिकेटर्स उनको लॉर्ड शार्दुल बुलाते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर जवाब है या नहीं। शार्दुल ठाकुर दिलाएंगे आपको 10 महत्वपूर्ण अंक। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि अचानक से कुछ नई ऊर्जा आ गई है टीम नंबर वन में। चलिए ले लेते हमारा अगला प्रश्न 10 अंकों के लिए। लेजर रेडियल एंड 49er आर कैटेगरीज ऑफ कॉम्पिटिशन इन विच स्पोर्ट। दीजिए जवाब, ले जाइए 10 अंक। कौन देने वाला है जवाब, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। टीम नंबर फोर ने दबा दिया अपना बजर। टीम नंबर फोर दीजिए अपना जवाब। सेलिंग सर, सेलिंग। सेलिंग, देख लेते हैं ये फिर जवाब है या नहीं। क्या बात है, सेलिंग डेफिनेटली इज द फिट आंसर। ब्रिलियंट, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन जवाब, सेलिंग। 10 अंक आपको मिलेंगे। इसी के साथ कम बैक करती हुई टीम नंबर फोर, दो दो हाथ करने के लिए तैयार कि बॉस अभी भी बहुत सारे प्रश्न आने बाकी हैं, हम भी मैदान में डटे हुए हैं और हम भी कुछ करके दिखाएंगे। अगला प्रश्न 10 अंकों के लिए। टीम 2, 3, 1 and 4 ऑन द स्क्रीन नाउ। एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स विच इंडियन बिकेम द फर्स्ट एवर वुमन टू स्कोर अ हैट्रिक इन हॉकी एट द ओलंपिक्स। चार टीमों में से सबसे पहले जिन्होंने बजर दबाया वो है टीम नंबर वन। हम लेंगे आपका जवाब। निकी प्रधान। निकी प्रधान, आपका जवाब फिट है या नहीं, चलिए जान लेते हैं। वंदना कटारिया, कोई बात नहीं, 5 अंक भले आपके डिडक्ट किए जाते हैं लेकिन अभी प्रश्न आने बहुत सारे बाकी हैं। चलिए ले लेते हमारा अगला प्रश्न 10 अंकों के लिए फ्री स्टाइल पर। ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। The first instance of such an event in Test cricket took place in 1960 between West Indies and Australia. The only other time it happened was in 1986 between India and Australia. What unlikely result is being talked about? Team 4 अपना buzzer दबा चुकी है. We will take your answer, Team 4. Team 4, दीजिए अपना जवाब. Sir, tie. देख लेते हैं यह फिट जवाब है या नहीं। 10 अंक मिलेंगे या -5 होगा। 10 अंक मिलेंगे, फिट जवाब है, क्या बात है, शानदार जवाब, फिट नहीं बल्कि फिटेस्ट जवाब है। इसी के साथ अपने स्कूल को, अपने विद्यालय को और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने प्रांत को
एंड द नेशनल ग्रैंड फिनाले की ओर लेके जा रहे हैं, नेशनल राउंड्स की ओर लेके जा रहे हैं टीम को। चलिए लेते हैं हमारा अगला प्रश्न 10 अंकों के लिए। अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर द फीमेल अर्जुन अवॉर्डी वॉज अ पार्ट ऑफ द रिले टीम दैट वॉन गोल्ड इन द 4x100 meter रिले एट द 1954 एशियन गेम्स एंड अ ब्रॉन्ज इन 1958। शी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल हॉकी बिटवीन 1953 एंड 1961। आइडेंटिफाई दिस मल्टीफैसेटेड स्टार एथलीट। सबसे पहले बजर दबाया टीम नंबर टू ने, लेंगे उनका जवाब। सर पीटी उषा। पीटी उषा, चलिए देख लेते हैं ये फिट जवाब है या नहीं। ये अनफिट जवाब है। स्टेफनी डिसूजा, आल्सो कॉल्ड स्टेफी डिसूजा इज द फिट आंसर। 1954 और 1958 की बात कर रहे हैं और पीटी उषा तो खैर 70 के आखिर में और 80 के दशक में खेल रही थी भारतवर्ष के लिए फॉर टीम इंडिया। कोई बात नहीं, अभी भी प्रश्न आने बाकी है। पॉइंट्स के अनुसार अगर आगे बढ़े तो 20 अंक आप अभी भी अर्जित कर सकते हैं क्योंकि 2 प्रश्न आने बाकी हैं। तो चेहरे पे शिकन नहीं बल्कि फुल फ्लेज्ड कॉन्फिडेंस के साथ खेले, एकाग्रता के साथ खेले। लेंगे अगला प्रश्न 10 अंकों के लिए। इन 1975 अ टीनेज कॉलेज स्टूडेंट स्कोर्ड 110 इन 113 मिनट्स अगेंस्ट बेदी, प्रसन्ना एंड मदन लाल ऑन हिज ईरानी ट्रॉफी डेब्यू। नेम हिम। कौन है ये शख्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? बेहतरीन बैट्समैन है ये, टीम इंडिया के लिए तो खेलते ही थे। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स हू हैव एवर प्लेड। 1983 वर्ल्ड कप में भी खेल चुके हैं। कितने हिंदू? चलिए किसी ने अपना जवाब ही दिया, मैं देता हूं आपको फिट जवाब। नंबर टू सबसे पहले अपना बजर दबा चुकी है टीम नंबर टू। लेट्स हैव योर आंसर। कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद, क्योंकि बिहार से है तो एक वो भी आपको लगता है कि पॉइंट होना चाहिए, कीर्ति आजाद जवाब होना चाहिए, लेकिन फिट है या नहीं देख लेते हैं। दिलीप वेंगसरकर। कीर्ति आजाद नहीं है, फिट जवाब है दिलीप वेंगसरकर। अनफिट जवाब दिया आपने, -5 आपको मिलेंगे। दिलीप वेंगसरकर सामने आपकी स्क्रीन पे थे, फाइनेस्ट क्रिकेटर्स दिलीप वेंगसरकर साहब, जो छक्का चौका लगाते हुए 113 मिनट में बड़े बड़े धुरंधर गेंदबाजों को पानी पिला दिया था उन्होंने। टीम्स फ्री स्टाइल का आखिरी प्रश्न 10 अंक अर्जित करके कौन ले जाएगा 2,75,000 रुपए की ये धनराशि और कौन बनेगा चैंपियन बिहार एडिशन का फिट इंडिया क्विज में, जानेंगे इस प्रश्न के बाद। प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाउ मेनी प्लेयर्स कॉन्स्टिट्यूट द टीम इन अ गेम ऑफ रग्बी यूनियन। टीम नंबर वन सबसे पहले अपना जवाब देगी, गिव मी योर आंसर टीम नंबर वन। सर 15। हाउ मेनी? 15 एंड का जवाब देख लेते हैं ये फिट जवाब है या नहीं। 15, व्हाट एन आंसर टीम नंबर वन, ब्रिलियंट आंसर, क्या बात है। फिट जवाब, फिटर जवाब, फिटर जवाब। क्या ये आखिरी के 10 अंक इन्हें बनाएगा विजेता या नहीं, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ एट दिस वेरी एक्साइटिंग फिट इंडिया क्विज बिहार एडिशन, ग्रैंड फिनाले चल रहा है, बने रहिए। लाइफ में चैलेंजेस कभी भी और कहीं भी आ सकते हैं और हम इनका अच्छे से तभी सामना कर सकते हैं जब हम तैयार हों इनको फेस करने के लिए। हम अगर हेल्दी और फिट हैं तो हमारी तैयारी और भी बेहतर हो जाती है, बस जरूरत है थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से अनुशासन की। प्रेजेंटिंग फिट इंडिया मोबाइल ऐप, आपका फिटनेस गाइड और पर्सनल हेल्थ ट्रेनर। पहली बार अब भारत का हर एक नागरिक अपना फिटनेस स्कोर पता करके जान पाएगा कि वो कितना फिट है। आप अपनी आयु के अनुसार अपने फिटनेस स्कोर की जांच कर सकते हैं। ये सुविधा खास आपके लिए पहली बार शुरू की जा रही है। ये ऐप आपके फिटनेस रूटीन को ट्रैक कर सारा डेटा स्टोर करता है ताकि आप अपनी प्रोग्रेस देख सकें और फिट रहने के नए और आसान नुस्खे अपना पाएं। इस ऐप के साथ आप बन सकते हैं खुद के फिटनेस मास्टर। उसके बाद हम आपके फिटनेस रूटीन को बनाने में आपकी मदद करेंगे। फिटनेस की दुनिया में कदम रखें, मोटिवेटेड रहें और अपडेटेड रहें। और सबसे अच्छी बात है कि इन सारी सुविधाओं का लाभ आप पा सकते हैं एकदम फ्री
बस अपने एंड्रॉइड और एप्पल डिवाइस पर हमारे ऐप का हिंदी और इंग्लिश वर्जन डाउनलोड करें और शुरू हो जाइए। आपका फिट रहने का सपना अब है एक क्लिक दूर। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। Hello and welcome back after the break to the grand finale of Fit India Quiz Bihar edition presented by Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Education with Fit India Mission in celebration of Azadi ka Amrit Mahotsav. Let me just remind you that you too can download the Fit India mobile app from the Play Store or App Store and be fit every minute, every day. Before we move on to see the final scores, we would like to tell you that the entire state of Bihar is very proud of you students. इसी के साथ जिस क्षण जिस घड़ी जिस पल की प्रतीक्षा हम सब कर रहे थे वो पल अब आ चुका है। लेट्स नाउ टेक अ लुक एट द फाइनल स्कोर बोर्ड ऑफ द ग्रैंड फिनाले ऑफ द बिहार एडिशन ऑफ द फिट इंडिया क्विज। टीम 2 15 अंकों पर है क्योंकि आखिरी राउंड में इन्होंने दो गलत जवाब दिए, दो अनफिट जवाब दिए, जिसके एवज में इनको -10 मिला। टीम 3 जो चौथे राउंड तक बढ़त बनाए हुए थी वो है 35 अंकों पर तृतीय स्थान पर, यानी सेकेंड रनर अप। टीम 4 और टीम 1 आखिरी प्रश्न तक इनके बीच में जद्दोजहद थी, दोनों में रस्सा कसी थी और एक प्रश्न जो निर्णायक साबित हुआ विनर्स में और फर्स्ट रनर अप में। टीम 4 हमारे फर्स्ट रनर अप है 40 अंकों के साथ और टीम 1 है विजेता बिहार एडिशन के ग्रैंड फिनाले के हमारे फिट इंडिया क्विज के 50 अंकों के साथ। शानदार। आज जो टीम अपने स्कूल के लिए और अपने लिए ना सिर्फ ख्याति प्रसिद्धि और बहुत मान और गौरव लेकर जा रही है बल्कि इसके साथ साथ 50,000 रुपए की धन राशि लेकर जा रही है, जो सेकेंड रनर अप हुई है वो टीम है माउंट असीसी स्कूल भागलपुर। दूसरे पैदान पे है वो टीम है जवाहर नवोदय विद्यालय समस्तीपुर, जो लेके जाएगी 1,00,000 रुपए की धनराशि और पार्टिसिपेंट्स लेके जाएंगे 10,000 रुपए की धनराशि। इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारी उस टीम की ओर जिन्होंने ना सिर्फ अपने विद्यालय का, अपने परिवार का, बल्कि पूरे प्रांत बिहार का नाम गौरवशाली किया और 2,50,000 रुपए की धनराशि लेके जाएंगे और जाएंगे नेशनल राउंड्स में ऑफ द वेरी कवेटेड फिट इंडिया क्विज। है जय प्रताप सिंह पब्लिक स्कूल सहरसा, लाजवाब परफॉर्मेंस। बहुत बधाइयां, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू जय प्रताप सिंह पब्लिक स्कूल सहरसा ऑन क्वालिफाइंग द नेशनल फाइनल। एंड डोंट फॉरगेट दैट देयर विल बी एन एलिमेंट ऑफ लाइव फिटनेस राउंड इन द नेशनल फाइनल्स एंड इट विल बी एड ऑन स्टार स्पोर्ट्स एंड हॉटस्टार। विद दिस वी आर एट द क्लोज ऑफ द ग्रैंड फिनाले ऑफ द फिट इंडिया क्विज बिहार एडिशन। अ बिग थैंक यू टू द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर गिविंग ऑल ऑफ अस and especially the children of our nation the opportunity to be on a platform such as this. My name is Randeep Singh and I'm signing off. But before that, don't forget the magical mantra, fitness ki dose, aadha ghanta roz.